और सतना का इतिहास कई हजार साल पुराना है। सतना सतना जुड़ा हुआ है हिंदू धर्म से, ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। रामायण काल में भगवान राम का आगमन चित्रकूट से हुआ था और हमने राम गमन पथ की शुरुआत करी थी, 200 करोड़ रुपए अलॉट किया था। मुझे दुख है इस बात का कि ये 200 करोड़ रुपए कहाँ गए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं, इसका आज कोई बजट नहीं। प्राकृतिक संसाधन, हमारे खनिज संसाधन का ये केंद्र है और आज यहाँ औद्योगिकरण ठप है। जो है 25 साल 30 साल पुराना जो सीमेंट की फैक्ट्रियां लग गई वो लगी हुई है, कोई नया निवेश नहीं आया। आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे नौजवानों की है, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों की है, हमारे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई उनके लिए उपाय नहीं। और यही नौजवान हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। कैसा निर्माण होगा अपने प्रदेश का अगर नौजवानों का भविष्य अंधेरे में रहे? रोजगार तो तभी आता है, तभी बनता है जब निवेश आता है, जब आर्थिक गतिविधि बनती है। आर्थिक गतिविधि से हमारा व्यवसाय चलता है। हमारे गांव में किराने की दुकान चलती है जब किसानों की जेब में कुछ पैसा होता है। किस प्रकार पूरे प्रदेश में किसानों के साथ अन्याय हुआ, किसानों को बीज खाद के लिए भटकना पड़ा और क्या मूल्य मिला? मालवा निमाड़ में तो 1 रुपए में लहसुन बिका, ये हालात रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा है। ये चित्र आज पूरे प्रदेश का है और मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि ये तस्वीर अपने सामने रख के 7-8 महीने में जो फैसला करना है मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। चलिए अब आप पूछ लीजिए। जातियों की राजनीतिक उपयोगिता के चलते जो सम्मेलन होते हैं बीजेपी भी करती है, आप भी कर रहे हैं और अभी आपने एक बात कही कि यूथ जो आगे आएगा, यूथ जब रोजगार मिलेगा तब उसका, राजनीति में यूथ को कब आप आगे लाएंगे? हम इसका प्रयास कर रहे हैं। मैं खुद युवक कांग्रेस से आया था, 42-43 साल पहले जब मैं चुनाव लड़ा था, अपना पहला चुनाव 7वीं लोकसभा का, मैं युवक कांग्रेस से आया था। ये एक स्टेजेस में आता है। 50% मंत्री सर सब नए थे और हमारे मंत्रिमंडल में सब नौजवान मंत्रिमंडल थे, लगभग सब ही नौजवान मंत्रिमंडल थे, तो हमने उनको मौका दिया मंत्रिमंडल में। आपने सामाजिक की बात करी, भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा धर्म है, कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है जहाँ इतने धर्म हों, इतनी जातियाँ हों, इतनी भाषाएँ हों, इतने त्यौहार हों, इतनी देवी देवताएँ हों, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। और जब हम भारत की बात करते हैं, आज जब भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है, भारत खड़ा है क्योंकि हमारे संस्कृति है और हम किसी हर जाति का सम्मान करते हैं, छोटी जाति हो या बड़ी जाति हो। मैं तो हर सम्मेलन में जाता हूँ, किसी एक जाति के सम्मेलन में नहीं, सब जातियों के सम्मेलन में जाता हूँ। सबका समाज में अपना अपना स्थान है। जब से आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं सर, राहुल गांधी जब से आप कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं क्या, जब से कांग्रेस के अध्यक्ष आप बने हैं कैसे टूटन हुई है? जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया आपसे टूटे, उसका सही नेमर टूटे और उसके बाद राहुल की उपेक्षा हो रही है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसी की उपेक्षा नहीं हुई, कोई टूटा नहीं, किस क्या सौदेबाजी हुई? अगर सर हमारी सरकार नहीं रही तो सौदेबाजी से नहीं रही। विधायकों ने खुद मुझे कहा कि हमें इतना पैसा मिल रहा है, मैंने कहा मैं सौदे की राजनीति से मध्य प्रदेश की पहचान नहीं बनाऊंगा। लेकिन टूटे हुए विधायक जब दोबारा चुनाव लड़ते हैं तो फिर जीते जाते हैं, इसको किस वजह से? आगे देखेंगे,
आगे देखेंगे क्या होता है। मुख्यमंत्री आपके कार्यकर्ता लिख रहे हैं भावी मुख्यमंत्री, क्या मान लिया गया है कि कांग्रेस की सरकार ही आ रही है, लगातार भावी मुख्यमंत्री हम देख रहे हैं। देखिए भावी मुख्यमंत्री की बात छोड़िए, पर भावी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। कमलनाथ जी कहते हैं कि मध्य प्रदेश तैयारी की थीम पर इन्वेस्टर मीट हो रही है, भविष्य के लिए कोई भी घास फूस के मकान में नहीं रहेगा, कच्चे मकान में नहीं रहेगा, किसी को उपेक्षा नहीं होगी। आपने कहा कि युवाओं की अपेक्षा हो रही है। आज सुबह मैंने भास्कर में पढ़ा, हेडलाइन न्यूज थी, शिवराज का स्टेटमेंट कि भाषण से निवेश नहीं आएगा। 18 साल बाद उनको ये बात सूझी, भास्कर की हेडलाइन न्यूज है, मैं नहीं कह रहा हूँ। 18 साल बाद शिवराज सिंह को ये बात सूझी कि मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर हो। कमलनाथ की सीडी कांड एक बार फिर से आगे आया हुआ है, सीडी कांड, और सत्ता पक्ष जो है औकात की बात कर रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए गोविंद सिंह जी ने कहा कि उनके पास सीडी है, सीडी मैंने भी देखी थी 15 महीने में जब अपनी सरकार थी, 2.5 महीने आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, सीडी मैंने भी देखी, ये सीडी कई पत्रकारों ने आपके साथियों ने भी देखी थी। ये सीडी फ्लोर पे आ क्यों नहीं रही? मैंने कहा था इसमें और इन्वेस्टिगेशन, और मैं नहीं चाहता था, ये बात भी मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी राजनीति इस प्रकार की नहीं थी, मैं किसी के पीछे नहीं पड़ा, मैं नहीं चाहता था कि मध्य प्रदेश बदनाम हो, तो इसलिए मैंने कहा था इसकी और इंक्वायरी करिए, आप चेक करिए कि ये जेन्युइन है कि ये फर्जी है, और इसमें सब भारतीय जनता पार्टी के लोग की 15 साल पुरानी थी कि बात की, 15 साल से उनकी सरकार चल रही थी तो इसकी जांच चल रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर अपने भाषण में आपको दोषी ठहराते हैं कि आपने पूरे मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया, आप निशाने पे क्यों रहते हैं? मैं निशाने में उनका खाना हजम नहीं होता अगर वो दो चीजें ना करें, अगर वो कमलनाथ को की आलोचना ना करें और अगर वो झूठ ना बोले, तब उनका खाना हजम होता है। विधानसभा में गोविंद सिंह अविश्वास प्रस्ताव आते हैं, आप उसमें आप जाते नहीं, उसमें कारण? नहीं, ये पहला अविश्वास प्रस्ताव था, मैं था, मेरे कुछ कार्यक्रम बन गए थे, 24 तारीख तक चलनी थी और उन्होंने कहा था ये 23 और 24 को चलेगी, मैंने कहा कि मैं 22 को नहीं रहूंगा, पहले दिन मैंने ये बात की कि 22 को मैं नहीं रहूंगा, और इसीलिए ये 22 को ही अविश्वास प्रस्ताव लाए। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुजरात का रिजल्ट आया था, उसमें कांग्रेस के काफी कम परसेंटेज थे, तो कांग्रेस में से क्या कमी है जो इतनी परसेंटेज हर जगह जो चुनाव में कम आ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का 3% वोट खड़ा है गुजरात में, और ये कह देना हमारा कि कांग्रेस की बड़ी हार हुई, हमारा संगठन कमजोर है, हम स्वीकार करते हैं, हम हिमाचल जीते अभी, उसकी बात तो आपने कही नहीं। तो कांग्रेस का भी तो असर, तो उसमें ऐसा रिजल्ट क्यों आया? क्या कम परसेंट, जैसे 17-18% में जो कांग्रेस रिजल्ट? मैं तो कह रहा हूँ हमारा संगठन जहाँ कमजोर है, हमारा संगठन उत्तर प्रदेश में कमजोर है। देखिए ये लक्ष्मण सिंह जी की अपनी राय होगी, मैंने भारत जोड़ो यात्रा में मैं कर्नाटक गया, मैं मालेगांव महाराष्ट्र में गया, मैं मध्य प्रदेश में 14 दिन रहा उनके साथ, और जो उत्साह जो जोश मैंने देखा मैंने अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा, और ये आप मीडिया वाले तो दिखाते नहीं, मैं जानता हूँ आपकी क्या मजबूरियाँ हैं, मैं जानता हूँ, हाँ वो तो राहुल जी भी कहते हैं, उन्होंने भी अपने भाषण में कहा क्या मजबूरी है, पर अंत में जनता गवाह है हमारी, 15 साल शिवराज सिंह जी कुछ भी कहें, जनता गवाह है कि 15 महीनों में, लगभग 11.5 महीनों में हमारी नियत और नीति क्या थी। कमलनाथ जी एक प्रश्न था कि अप्रवासी भारतीयों के लिए इंदौर में स्मार्ट सिटी दिखाने के लिए बीजेपी एक बड़ा आयोजन कर रही है, आपका क्या रुख है उस आयोजन को लेकर? देखिए कोई भी आयोजन होए जिससे मध्य प्रदेश का विकास हो, मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं इन्वेस्टर्स मीट का भी स्वागत करता हूँ, और मैं इन्वेस्टर से ये निवेदन करता हूँ कि मध्य प्रदेश जो 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, आज जो अपना सामान बेचते हैं दक्षिण में, जो तमिलनाडु या केरल में अपना सामान बेचते हैं,
ये उत्तर भारत में क्यों अपना उद्योग लगा दिया? निवेश आता है विश्वास से, निवेश आता है फेथ से। आप भी उसी दुकान में जाएंगे जहां आपका विश्वास हो। अगर मध्य प्रदेश में किसी को आप विश्वास ना हुए, निवेश नहीं आएगा। मैं आपको आंकड़े अगर सुनना चाहते हैं मैं पढ़ देता हूं, मैंने रखे हुए हैं। ये बड़े आश्चर्यजनक आंकड़े हैं, जो आप नोट करते जाइए, मैं आपको बताता हूं, आश्चर्यजनक है। कि देश में क्या हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट आया और मध्य प्रदेश में कितना आया, क्या FDI आए, अट्ठारह साल में इन्होंने 5 ग्लोबल इन्वेस्टर मीट करे हैं और 6,500 हमेशा घोषणा करिए, आप देख लीजिएगा अपना रिकॉर्ड, 6,500 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए। इसका पोस्टमार्टम तो करें, 6,500 आए, क्या हुआ इनका? बड़ी जोर से इन्होंने घोषणा करी, 6,500 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आए। 2013 से लेके 2018 में टोटल FDI जो विदेशी निवेश है जो देश में आया वो 23 लाख करोड़ था। मध्य प्रदेश में कितना आया? 0.3% मध्य प्रदेश में आया। इसका मतलब 30 पैसे 100 करोड़ में से 30 पैसे मध्य प्रदेश में आया। 2020 और 2022 टोटल विदेशी निवेश जो आया 18.8 लाख करोड़ और मध्य प्रदेश को कितना मिला? 0.3% और 15 पोजीशन में था। ये तो मैं बात कह रहा हूँ, और मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाई जाए। मैंने कोई समिट नहीं किया, मैंने इंदौर में सम्मेलन किया सबको कि मध्य प्रदेश को का एक नया रूप हम इंट्रोड्यूस करें, लोगों को विश्वास हो। ये ताज्जुब की बात आपको नहीं लगती कि जो दक्षिण में जिसको बेचना है अपना सामान वो उत्तर भारत में अपने फैक्ट्री लगाता है, जब हम 5 प्रदेशों से घिरे हुए हैं? आज अपने यहाँ क्यों नहीं आते, अपने यहाँ क्यों नहीं FDI आता? मैं जानता हूँ, मैं मुख्यमंत्री था, मैं सबसे बात करता था, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। पर सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक आपकी पहचान एक विश्वास की, एक फेथ की, इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ, इन्वेस्टमेंट को आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको इन्वेस्टमेंट ड्राइव करना पड़ता है। ये है, तो इन्वेस्टर समिट हुए, पर अगर मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से हुए, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से हुए, मध्य प्रदेश की पहचान नीतियों के अक्रियान्वयन से हुए। औद्योगिक नीति बना लेना बहुत आसान है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बना लेना बहुत आसान है, पर उसका क्रियान्वयन तो हुए, उसका एग्जीक्यूशन तो हुए। अगर सब आते हैं कहते हैं अच्छा है, बहुत अच्छा कागज है, बहुत अच्छी पॉलिसी है 50 पेज की, पर उसके बाद समाप्त, ये कारण है। सर एक और बात है, चलिए, मध्य प्रदेश में बहुत सारे उद्योग बिक गए पिछले 2-3 साल के अंदर, उस पर आपकी तरफ से कोई रोक नहीं स्पष्ट हुआ कि स्थापित उद्योग अचानक बिक रहे हैं और फायदे में बिकते हैं उनका जो? देखिए, ये बेचने वाला और खरीदने वाले के बीच में है, इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर इसमें गवर्नमेंट तो किसी को रोक नहीं सकती, आप बेचने जाए अपने उद्योग या अपनी दुकान, कोई और कोई खरीदने वाला आए, ये तो एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होए, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। लेकिन पब्लिक फेथ का क्या होगा? सर एक राजनीतिक सवाल आपसे, पब्लिक फेथ का क्या होगा? एक इन्वेस्टर ने पब्लिक फेथ हासिल करने के बाद इन्वेस्टमेंट किया और अपना प्लांट लगाया, उसके बाद वो सेल कर दे रहा है किसी दूसरे को, अब कोई जान ही नहीं रहा है कि कौन आदमी आके लेके गया। सर एक राजनीतिक सवाल आपसे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है कई गुटों में बिक्री भी दिख रही है आज इस कार्यक्रम में, जैसे राहुल भी नहीं दिख रहे हैं और एक कल की हम लोग महापौर के चुनाव दिख रहे थे, वहां लड़ रहे थे, तो जिस तरह से कांग्रेस बटी हुई है उससे आपको लगता है क्या कि कांग्रेस कोई? मेरी कल राहुल सिंह जी से बात हुई, ठीक है, लगातार बात होती रहती है, ऐसा कोई बटा नहीं है। हर परिवार में कोई किसी से ज्यादा नजदीक होता है, कोई कम नजदीक होता है,
ये हर दल में होता है, हर परिवार में होता है। बाप बेटी के ज्यादा नजदीक होता है, हाँ बेटा माँ के ज्यादा नजदीक होता है, तो चाचा ज्यादा नजदीक होता है, ये हर परिवार में होता है। कोई किसी से ज्यादा नजदीक होता है, कोई किसी से कम नजदीक होता है। कि ये बट गई और ये विवाद हो गया, ऐसी कोई स्थिति नहीं। कमल जी, एक पत्रकारों के लिए आप क्या करेंगे? यदि आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो पत्रकारों के हित में आप क्या करेंगे? देखिए, ये हम अपना वचन पत्र ला रहे हैं, उसमें पत्रकारों के लिए हमने बहुत कुछ सोचा हुआ है। मुझे उसका अभी ऐलान करना सही नहीं लगता। शिवराज सिंह जी ने पिछली बार आपको बहुत टीस दी है, आज वो कांटा निकालने की तैयारी है। पिछली बार बिंद में बहुत अच्छी अपेक्षित सीटें नहीं आई थी, आज नए साल में चुनावी वर्ष भी शुरू हो रहा है, तो क्या वो दर्द ये वो कांटा निकालने की शुरुआत है? बिल्कुल, मैं कहता हूँ, मैंने तो एक बात सबकी समाप्त कर दी एक बात में, कि जनता गवाह है। आज राजनीति में बहुत परिवर्तन हुआ है, जिनको आप ज्ञान देने जाते थे वो आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है। 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया में जुड़े थे, आज 95% जुड़े हुए हैं। आज सबके पास पूरी समझदारी है, सबकी आंखें कान खुला हुआ है, मुंह बंद है। मुंह वो तब खोलेंगे जब वो मतदान करने जाएंगे। सतना शहर आकर मुझे आज बहुत खुशी हुई कि सतना विंध्य का द्वार माना जाता है। सतना का एक बहुत गहरा संबंध हमारे रामायण से है। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था, हमने राम गमन पथ की शुरुआत के लिए पैसा अलॉट किया था, और यहाँ आके मुझे दुख होता है जब मैं सुनता हूँ कि ये कुछ आगे नहीं बढ़ पाया। आज हम सुखलाल कुशवाहा जी को याद करते हैं। सुखलाल कुशवाहा जी मेरे साथ संसद में रहे। सुखलाल कुशवाहा जी केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, समाज सेवक थे। उन्होंने नई जागरूकता, एक नई चेतना हमारे पिछड़े वर्ग में उजागर करी। तो आज हम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं सुखलाल जी की जयंती पर। सत्ता हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है, हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, ये हमारे देश की संस्कृति है। ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने धर्म हुए, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी जातियां हुई, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी भाषाएं हुई, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतनी देवी देवताएं हुए, ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है जहां इतने त्योहार हुए। हम यहां से तो दक्षिण जाते हैं, हमारा पजामा और धोती भी लुंगी बन जाती है। ये हमारे देश की विभिन्नता है, ये हमारे देश की अनेकता है, और हमारा देश एक झंडे के नीचे खड़ा है। एक झंडे के नीचे खड़ा है कि हमारे देश की संस्कृति जो कांग्रेस की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है। हजारों साल का इतिहास हमें बताता है कि हमारे देश की संस्कृति क्या रही। पूरा विश्व ताज्जुब से देखता है भारत की ओर, वो बंबई जाता है, भाषा अलग, खाना अलग, वो सत्ता आता है, भाषा अलग, खाना अलग। ये पूरा विश्व जब भारत की ओर देखता है, बड़े ताज्जुब से देखता है, पर बड़े आदर से देखता है। और आज हमारी संस्कृति के रक्षक आप हैं, हमारी नई पीढ़ी, हमारे नौजवान हमारे संस्कृति के रक्षक हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने हमारे देश को संविधान दिया, ऐसा संविधान दिया जो विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान की नकल करी। बाबा साहब अंबेडकर के सामने ये चुनौती थी कि ऐसे विभिन्न देश में, ऐसा देश जिसमें इतनी अनेकता है, कैसा संविधान बनाए। पर उन्होंने अपने देश को संविधान दिया। हमारे सरदार पटेल हुए, उन्होंने हमारे संविधान की शुरुआत करी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम जी, ये सब हमारे महान नेताओं ने
उस संविधान का पालन करते हुए देश को आगे बढ़ाया। पर आज हमारे देश की संस्कृति खतरे में है, आज हमारे देश की संस्कृति बड़े खतरे में है। आपको तय करना पड़ेगा कि क्या हम ये मोदी के रास्ते पर चलना चाहते हैं या हम अपने देश की संस्कृति के रास्ते पर चलना चाहते हैं। हमारे देश की संस्कृति जो जोड़ने की संस्कृति है, आज हम सुन रहे हैं कि भाषा का विवाद चल रहा है तमिलनाडु में, 35 साल बाद खालिस्तान के नारे लगने लग गए पंजाब में। हमारा देश कहां घसीटा जा रहा है, कैसे समाज को बांटो, कैसे धर्म के आधार पर नफरत फैलाओ, ये आज तस्वीर देश के सामने। और राहुल गांधी जी ने जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, जिसका अभी सुनील सरदार जी ने जिक्र किया, मुझे खुशी है कि सुनील सरदार जी का इतना अनुभव है, मैं तो उन्हें ज्ञानी मानता हूं। वो भी भारत जोड़ो यात्रा में आए थे और जब उन्होंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा का राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, ये भारत जोड़ो यात्रा, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा का इस देश को बचाने का लक्ष्य है, ये सुनील केदार जी ने कहा। मैं सुनील सरदार जी की एक और बात से सहमत हूं। जब ये जनगणना की बात करते हैं, हमने आजादी तो प्राप्त कर ली, पर जब तक हमारे देश में सही जनगणना ना हो, हमारे पिछड़े वर्ग की पूरी पहचान ना हो, तब तक इस संविधान का और अपने देश का क्या मतलब है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, जब ही कांग्रेस की सरकार बनेगी, केंद्र में बनेगी, हम संविधान में संशोधन लाएंगे, हम संविधान में संशोधन लाएंगे कि हमारे ओबीसी, हमारा पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलेगा। जब मैं मुख्यमंत्री था, कौन सा पाप मैंने किया था कि 27% आरक्षण देने में, कौन सा पाप? पर भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब थी, उन्होंने कोर्ट कचहरी में यह मामला घसीट दिया। 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, आज 18 साल हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और 15 साल पहले जब 2020 में दिसंबर में कांग्रेस की सरकार बनी, मैं मुख्यमंत्री बना, हमने परिचय दिया अपने नियत और नीति का। कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने सौंपा, ऐसा प्रदेश हमें सौंपा 2020 दिसंबर में, जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1, जहां बेरोजगारी में मध्य प्रदेश नंबर 1, ऐसा प्रदेश सौंपा जहां अत्याचार में महिला का, हमारे कमजोर वर्ग के अत्याचार पर मध्य प्रदेश नंबर 1। कौन सी चुनौती हमारे सामने नहीं थी, पर हमने शुरुआत करी 15 महीनों में, जिसमें से 2.5 महीने तो आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में गए, 11.5 महीनों में हमने शुरुआत की। किसानों के कर्ज की बात शुरू करी और हमने सतना जिले में 46,640 किसानों का कर्जा माफ किया पहली किश्त में। ये कर्जा हमने माफ किया कि हम अपने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाना चाहते थे। पहले किश्त में हमने ये कर्जा माफ किया, लगभग 200 करोड़ रुपए का केवल सतना जिले में। मध्य प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा हमने माफ किया। कौन सा पाप मैंने किया, कौन सा गुनाह मैंने किया? अगर 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी, कौन सी गलती करी मैंने? अगर 27% आरक्षण दिया, कौन सा पाप मैंने किया? अगर हमने पेंशन बढ़ाई, कौन सा गुना मैंने किया? गौशाला का निर्माण जो इतिहास में नहीं होता था, हमारे सतना जिले में ही 60-70 गौशाला का निर्माण एक साल में हो गया। हमने टारगेट बनाया था कि 1,000 गौशाला हम बनाएंगे, हम हर साल 1,000 गौशाला बनाएंगे। ये हमने शुरुआत करी, कौन सा पाप मैंने किया? सौदा किया, हमारी सरकार नहीं रही, मैं भी सौदा कर सकता था, मैं मुख्यमंत्री था, पर मैंने कहा मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करना चाहता, सौदे से मध्य प्रदेश की पहचान नहीं होगी। आज इतनी बड़ी चुनौती है हमारे नौजवानों की,
आज के नौजवान की अपनी सोच है, आज के नौजवान का अपना नजरिया है। राजमणि पटेल जी, आपकी दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान भी एक तरफ है, आज का नौजवान जो मध्य प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, जो सत्ता का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर उसका भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश में। ये मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती आज मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की है। सत्ता में हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास सब संसाधन है, खनिज संसाधन है, कारखाने लगे हैं। आप 30 35 40 साल पहले कारखाने लगे, पिछले 10 साल में क्या हुआ, पिछले 15 साल में क्या हुआ, ये तो एक शुरुआत थी। भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं था उस समय, केंद्र कांग्रेस का शासन था। मैं उद्योग मंत्री था और औद्योगिकरण शुरू हुआ। तो आज जब तक निवेश ना आए, जब तक निवेश ना आए, कोई रोजगार नहीं बनने वाला। जब तक औद्योगिकरण ना होए, जब तक आर्थिक गतिविधि ना होए, ये नौजवानों का भविष्य हमारी माताओं और बहनों ने इन्हें प्यार से पाला पोसा है। आज इनकी तड़फ हमें पहचाननी है, इनकी बेचैनी पहचाननी है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका चाहता है और रोजगार का मौका चाहता है। पर ये तभी आएगा जब निवेश आएगा। निवेश तब आएगा जब लोगों को मध्य प्रदेश पर विश्वास होगा। हमारा प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, जिसको दक्षिण में अपना सामान बेचना है, वे उत्तर भारत में अपना उद्योग लगाता है, वो यहां नहीं आएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से है, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से है, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से है। मैंने शुरू किया था कि यह मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाए, मैंने शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश की नई पहचान बनाए ताकि यहां निवेश आए। निवेश आप डिमांड नहीं कर सकते, निवेश को तो आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है, और निवेश तो तब आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हो, प्रदेश की एक पहचान बने। मैंने माफिया के खिलाफ युद्ध शुरू किया, मैंने शुद्ध का युद्ध शुरू किया ताकि मध्य प्रदेश की पहचान बने, हमारे नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रहे। ये हमारा प्रयास था। और शिवराज सिंह जी से तो मैं पूछता हूं, 18 साल में और पिछले 3 साल में आपने दिया क्या? शिवराज जी, 20,000 घोषणाएं, 20,000 घोषणाएं, कितनी घोषणाएं सत्ता में, स्मार्ट सिटी के नाम में कितने करोड़ रुपए का घोटाला। ये स्मार्ट सिटी की बात नहीं है, स्मार्ट घोटाला की बात है। और शिवराज सिंह खुद कहते हैं, मैंने खुद सुना हुआ है कि मैं तो घोषणा का मशीन हूं, मैं घोषणा का मशीन हूं, उन्होंने खुद कहा हुआ है ये बात। ये घोषणा के मशीन तो है पर साथ साथ झूठ की भी मशीन है ये। अगर अपना दिन भर में झूठ ना बोले, इनका खाना हजम नहीं आता। दिन भर में अगर कमलनाथ की आलोचना ना करे, इनका खाना हजम नहीं होता। मैं तो पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या, आपने दिया क्या? आपने बेरोजगारी दी, आपने महंगाई दी, आपने अत्याचार दिया और आपने घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह जी आपने दिया है। और मोदी जी का क्या कहना, मोदी जी का क्या कहना, कितनी लंबी चौड़ी बात करते थे मोदी जी 2013 में, कितनी लंबी चौड़ी बात, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा कहते थे ना मोदी जी, 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को 50% नफा होगा मोदी जी कहते थे 2013-14 में। 2019 में किसान का नाम नहीं लिया, नौजवान का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान की बात करने लग गए, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करने लग गए, राष्ट्रवाद की बात करने लग गए। और क्या हम भारतीय जनता पार्टी से राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ेंगे? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं,
कि आपका एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम आप बता दीजिए जो आपके साथ रहा हो। एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी है, इनके साथ नहीं था। और ये बात करेंगे राष्ट्रवाद की, ध्यान मोड़ने में, कैसे ध्यान मोड़ा जाए। फिर से चुनाव आएंगे, कलाकारी करेंगे, कलाकारी करेंगे। शिवराज सिंह जी मुंह चलाएंगे, पर शिवराज जी मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर होता है। और ये आप ध्यान मोड़ेंगे, रोज घोषणाएं करेंगे, नई योजनाएं लाएंगे, लोग सोचेंगे बड़ा शानदार काम हो रहा है। पर ये गुमराह की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति। मैं तो शिवराज सिंह जी से हमेशा कहता हूं, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, बंबई जाइए, आप वहां एक्टिंग करिए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करिए। कलाकारी जनता के सामने क्या कर रहे हैं, ये शिवराज सिंह जी हैं। तो मैं आपको अंत में एक ही बात कहना चाहता हूं, ये प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। हर वर्ग परेशान है, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बना ली है। भ्रष्टाचार केवल है नहीं, इसकी व्यवस्था बना ली है, पंचायत से लेकर मंत्रालय तक इसकी व्यवस्था बनी हुई है। ये तस्वीर आप सबके सामने है, कमलनाथ का साथ मत दीजिएगा, कांग्रेस का साथ मत दीजिएगा, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ दीजिएगा। और सच्चाई का साथ देते हुए हम मिलकर सत्ता का, विंध का और मध्य प्रदेश का, विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। ये मेरा आप सबसे वचन है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।